टॉप 8 न्यू सीक्रेट प्लेस इन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यू सीक्रेट डोर के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें देखकर आपको सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला। बिकॉज गाइस मैंने आप सभी लोग के लिए एक से बढ़कर एक न्यू सीक्रेट प्लेस को खोज निकाला है। तो आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सीक्रेट प्लेस नंबर 1। तो गाइस फर्स्ट सीक्रेट प्लेस के लिए आपको सिंपली न्यू पुलिस स्टेशन के पास आ जाना है। एंड न्यू पुलिस स्टेशन के पीछे वाली जगह पर आपको आके एक जेट पैक स्पॉन करने का 330 डायल करके आप लोग को मिनी जेट पैक स्पॉन कर लेना है। देन आपको जेट पैक में एंटर करने के बाद गाइस आपको बता दूं, यहाँ पास आपको जो दीवार दिख रहा है इसमें सिंपल आपको चिपका के लगा देना गाइस। जैसे आप लोग चिपका के लगा दो अपने जेट पैक एंड एग्जिट करो गाइस, आप लोग पहुँच जाओगे एक न्यू सीक्रेट लोकेशन पर गाइस। सिंपली देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सीक्रेट डोर से अंदर आ गए हैं भाई। देख सकते हो, इसे आप लोग पहली बार देखोगे गाइस, सच बताऊँ तो ये सीढ़ी के नीचे वाला लोकेशन है। एंड गाइस ये किस चीज़ के लिए बना है आई डोंट नो, बट देख सकते हो ये एक सीक्रेट लोकेशन है गाइस। इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक ऊपर में भी, एक ये भी सीढ़ी का ही गाइस, बट ये एक सीक्रेट लोकेशन है गाइस, इसे आप लोग जरूर ट्राई करना। एंड यहाँ पर दोबारा से बाहर जाने के लिए आप लोग को सिंपली जेट पैक के पास जाके एंटर बटन प्रेस कर देना। जैसे आप लोग एंटर बटन प्रेस करोगे आप लोग बाहर आ जाओगे गाइस। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस की ओर। तो नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस है गाइस हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट के पास जो बिल्डिंग है गाइस, उसमें ही आप लोग को एक न्यू सीक्रेट प्लेस देखने को मिल जाएगा गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर तो एग्जिट कर लेते हैं। देन गाइस यहाँ पर एक न्यू डरावना वाला फेस देखने को मिलेगा गाइस। देख सकते हो यहाँ पर सामने यहाँ छोटा सा यहाँ बस एक पिक्चर बनाया गया जिसमें हम लोग को एक छोटा सा डरावना तस्वीर दिखाई दे रहा है गाइस। बट हम लोग यहाँ पर जाए अंदर तो ये सीधा खींच लेता है भाई अंदर। देख सकते हो ये सीधा हम लोग को एक सीक्रेट टनल पे लेके गया भाई, एक सीक्रेट लोकेशन पे आ चुके हैं गाइस। एंड ये सीक्रेट लोकेशन आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये काफ़ी बड़ा है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर से हम लोग पुलिस स्टेशन भी दिखाई दे रहा है एंड एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर 6677 डायल करके जैसे भी मंगाया तो वो ऊपर में स्पॉन हो रहा है गाइस, बट नीचे नहीं आ पा रहा है। एंड यहाँ पर निकलने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाके एक छोटा सा जंप लगा देना है, उसके बाद हम लोग सिंपली ऊपर आ जाएंगे गाइस। जैसे आप लोग जंप लगाओगे ऊपर भाई सीधा, एंड भाई आप लोग दोबारा से इस ब्लैक कलर के इसमें जाओ तो दोबारा से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं गाइस। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जेस भी स्पॉन हो चुका है, बट हम दोबारा जाएँ तो भाई सीधा नीचे आ गए हैं। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस की ओर, प्लेस 3। तो सीक्रेट प्लेस 3 हमको यहाँ पर जोरासिक पार्क में देखने को मिलेगा गाइस। तो सबसे पहले आपको सीधा चलते जाना है। एंड गाइस उसके बाद हम लोग को एक छोटा सूखा हुआ पेड़ दिखाई देने को मिलेगा, तो वहीं पर सब जैसे एग्जिट करोगे गाइस देख सकते हो यहाँ पर एक सूखा पेड़ है गाइस, बट इसका पूरा तनक जो है इसका परछाई ही नहीं देखते गाइस, बट इसका जो टहनियाँ है उसकी बस परछाई दिखती है भाई। देख सकते हो इसको जो टहनियाँ छोटे छोटा वो बस परछाई दिखाई दे रहा है, बट इसका तना को परछाई दिख ही नहीं रहा भाई। ये क्या ही ग्लिच है भाई, देख सकते हो ये भी एक सीक्रेट लोकेशन ही गाइस, जिससे आप लोग एक बार जरूर आके यहाँ पर फाइंड करना। एंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा गाइस। एंड दोबारा से हम लोग चलो दिखा दूँ आप लोग को, देख सकते हो इसका तना दिखाई ही नहीं दे रहा गाइस। एंड चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस की ओर, प्लेस नंबर 4। एंड गाइस नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस भी हम लोग को जोरासिक पार्क में ही देखने को मिलेगा गाइस। आपको सिंपली फुल स्पीड में चलते जाना है, उसके बाद आप लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऊपर उठा हुआ एक न्यू सीक्रेट लोकेशन देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग को अंदर जा सकते हो या नहीं चलो आपको बता दो। सबसे पहले आप लोग कोई भी एक कार स्पॉन कर लेना, मैं यहाँ पर सुपर कार स्पॉन कर रहा हूँ 2244 डायल करके। तो यहाँ पर सुपर कार स्पॉन करके आप लोग सीधा इस दीवार से आपको चिपका के लगा देने गाइस। जैसे आप लोग पूरा चिपका के लगा दोगे गाइस आपके साथ होने वाला है एक मैजिक गाइस। एंड ये भी एक सीक्रेट लोकेशन ही है गाइस, इसे आप लोग जरूर एक बार ट्राई करना। एंड गाइस जैसे आप लोग एग्जिट करो आप गाइस आपके साथ एक मैजिक हो जाने वाला गाइस। देख सकते हो आप लोग एकदम से अंदर में फंस जाने वाला हो गाइस, एंड आपको पैर को अंदर से जकड़ लेता है भाई लिटरली। एंड आप लोग दोबारा से एंटर करो तो एक बार और मैजिक होने वाला गाइस। तो एक बार दोबारा से हम लोग एंटर करते हैं। एंड भाई हम लोग तो सीधा ज़मीन के अंदर ही चल दिए थे भाई लिटरली, एंड हम लोग दोबारा से ऊपर आ गए। एंड भाई देख सकते हो कौन से पोजिशन में आ गया भाई हम लोग का करेक्टर, ये भाई तो एंटर ही नहीं कर पा रहा भाई अब देख सकते हो। एंड पूरा इनविजिबल हो चुका है भाई, ये क्या ग्लिच हो चुका है। एंड देख सकते हो इसके अंदर भी हम लोग नहीं जा सकते, एंड भाई ये कौन सा ग्लिच हो चुका है आई डोंट नो, बट एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर, प्लेस नंबर 5। तो प्लेस नंबर 5 अपनों न्यू हाउस में ही देखने को मिलेगा गाइस। आप लोग सीधा ऊपर जिम के ऊपर आ जाना है, उसके बाद गाइस सबसे ऊपर में आने के बाद मैं बता दूं यहाँ पर एक ब्लैक कलर के यहाँ पर सब सीढ़ी दिखाई दे रहा है गाइस, सॉरी सीढ़ी या मिरर दिखाई दे रहा है, उसमें आपके आपको जंप लगा देना है। एंड आप लोग सीधा एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच जाओगे। सबसे पहले 1215 डायल करके आप लोग को सुपर जंप की चीट कोड एक्टिवेट कर लेना है, उसके बाद जैसे आप लोग जंप लगाओगे गाइस आप लोग सीधा एक छत में पहुँच जाओगे भाई टावर में एक सीक्रेट लोकेशन पर। एंड गाइस यहाँ पर सब लोग कोई भी NPC को फायर कर सकते हो आप, एंड आप लोग को पुलिस ढूंढ ही नहीं पाएगा गाइस यहाँ पर से, देख सकते हो काफ़ी क्रेजी सीन है। एंड इसे आप लोग जरूर ट्राई करना। एंड एक दोबारा से हम लोग जंप लगाए तो हम लोग टॉप में पहुंच जाएंगे अपने न्यू हाउस के। तो देख सकते हो हम लोग टॉप में भी पहुंच चुके हैं।
एंड गाइस हम लोग को सामने वाले यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई रही है, उसमें जाने के लिए आप लोग को एक सुपर जंप लगा देना, उसके बाद हम लोग सामने वाली बिल्डिंग पे भी हम लोग लैंड कर सकते हैं। एंड ये भी एक सीक्रेट लोकेशन ही है गाइस, तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको भी खतरनाक सीक्रेट प्लेस पता है तो उसे नीचे कमेंट कर देना, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ गाइस। एंड चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस की ओर, प्लेस नंबर 6। तो गाइस प्लेस नंबर 6 आप लोग को सिंपली ओल्ड हाउस में देखने को मिल जाएगा। तो ओल्ड हाउस के बगल में आप लोग को एक न्यू बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर मिरर रखा है ना गाइस, ये इनविजिबल मिरर है गाइस। तो मैं आपको कैसे इनविजिबल है आपको चलो बता दूँ। सबसे पहले आप लोग को एक जेट पैक स्पॉन कर लेना है, 3300 डायल करके आप लोग को एक जेट पैक स्पॉन कर देना है। उसके बाद आपको जेट पैक में एंटर करने के बाद गाइस जो आपको मिरर दिखाई दे रहा है ना, उससे आप लोग यहाँ पास ट्रांसपेरेंट होकर गाइस आप लोग ऊपर नीचे जा सकते हो भाई, लिटरली देख सकते हो भाई हम लोग का जो करेक्टर है ये पूरा ट्रांसपेरेंट होकर आ गया था। एंड जैसे आप लोग बिल्डिंग के पास आके एग्जिट करो गाइस, तो आप लोग सीधा एक न्यू सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाओगे गाइस लिटरली। एंड ये सीक्रेट लोकेशन मैं पहली बार देखा गाइस, एंड इसके अंदर आप लोग जेसीबी भी स्पॉन कर सकते हो। एंड ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर से देख सकते हो हमारा ओल्ड हाउस दिखाई दे रहा है, एंड सामने में भी बिल्डिंग है गाइस। एंड देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट जो मिरर है अभी भी हम लोग को दिखाई दे रहा है बाहर से, एंड अंदर से सॉरी। एंड चलो 6677 डायल करते हैं, तो इसमें आप लोग जैसे भी स्पॉन कर सकते हो गाइस, जैसे भी हम लोग स्पॉन कर दिए, एंड इसको साथ में ड्राइव भी कर सकते हो, काफ़ी क्रेजी सीन है। एंड इसे आप लोग बाहर नहीं निकाल सकते गाइस, क्योंकि बार बार अटक जाता है भाई, पता नहीं क्यों अटक जाता है, बट इसे आप लोग बाहर से नहीं ले जा सकते अपने जैसे भी को। एंड गाइस हम लोग सीधे यहाँ पर से बाहर भी निकल सकते हैं भाई, देख सकते हो हम लोग बाहर आ चुके हैं, एंड जेट पैक भी सामने ही है। एंड चलिए बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस की ओर, सीक्रेट प्लेस नंबर 7। तो गाइस आप लोग को ओल्ड हाउस में आ जाना है, एंड यहाँ पर देख सकते हो सीढ़ी से सीधा आप लोग को ऊपर जाना है, देन यहाँ पर राइट लेके यहाँ पर किचन में आ जाना है गाइस। आप लोग किचन के पास यहाँ पर देख सकते हो कुछ यहाँ पर काउंटर देखने को मिल रहा है, उस काउंटर में आप लोग को सीधा जंप लगा देना गाइस, एंड आप लोग पहुँच जाओगे एक न्यू सीक्रेट प्लेस में गाइस। तो जैसे ही जंप लगाओगे गाइस, उसके बाद आप लोग देखना कि आपका करेक्टर जो है एक और जंप लगाने के बाद डायरेक्ट आप लोग को ऊपर चला जाएगा, देख सकते हो ऊपर आ गए हम लोग का करेक्टर। एंड भाई हम लोग लिटरली देख सकते हो एक न्यू सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच चुके हैं भाई, यानी काफ़ी बढ़िया गाइस, इसे आप लोग जरूर ट्राई करना। यहाँ पर से आप लोग को भी कोई पुलिस ढूंढ ही नहीं पाएगा, एंड कोई एनपीसी को आप फायर भी कर दो तो आप लोग को कोई केस वेस लगने वाला भी नहीं है गाइस। तो ये भी एक न्यू सीक्रेट प्लेस है, इससे आप लोग जरूर एक बार जाके देखने यहाँ पास, एंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगा गाइस, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट प्लेस की ओर, सीक्रेट प्लेस नंबर 8। तो गाइस सीक्रेट प्लेस 8 के लिए आपको सिंपली न्यू पुलिस स्टेशन के पास आ जाना है, देन यहाँ पास एक जेट पैक स्पॉन करना है, 320 डायल करके एक जेट पैक स्पॉन कर लेना। मैं यहाँ पास बिग जेट पैक स्पॉन करने वाला हूँ, आप लोग भी कोई भी एक जेट पैक स्पॉन कर लेना। उसके बाद आप लोग को सीधा ऊपर जाना है गाइस पुलिस स्टेशन के टॉप वाले बिल्डिंग पे, एंड वहाँ पर आके आप लोग को एग्जिट कर देना। मैं जहाँ पास जाने वाला हूँ देख सकते हैं यहाँ पास टॉप बिल्डिंग पे आ चुके हैं, एंड जैसे एग्जिट करो गाइस आप लोग एक न्यू ट्रांसपेरेंट सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच जाओगे गाइस। एंड आपके नीचे कोई दीवार ही नहीं दिखेगा, या फिर कोई देख सकते हैं यहाँ पास ज़मीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी हम लोग ऊपर में खड़े हैं गाइस। पर ये बार बार स्लिप होकर गिरते जाता है भाई हम लोग का करेक्टर, पता नहीं कैसे गिरता है, बट देख सकते हो यहाँ पास बार बार यहाँ पर स्लिप खा के गिरते ही जाता है भाई, लिटरली मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड ये सीक्रेट प्लेस आपको ये कैसा लगा, एंड यहाँ पर भी आप लोग कोई भी NPC को यहाँ पर फायर करके छुप सकते हो गाइस, एंड आपको पुलिस ढूंढ ही नहीं पाएगा गाइस सच बताऊँ तो। एंड ये प्लेस तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा गाइस, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस देख सकते हो हमारे यहाँ पास नीचे परछाई भी दिखाई दे रहा है भाई लिटरली। गाइस यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, जल्दी से उनके सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो गाइस प्लीज़। एंड आज के टॉप 8 न्यू सीक्रेट में तक वो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।